الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے जो बड़ा मेहरबान नियायत रहम वाला है। आज उम्मुल मोमिनीन तमाम माओं की सरदार जिनको हम पुकारते हैं और ज़ौजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम सैयदा तैयबा ताहिरा महबूब महबूबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम सैयदा हज़रत खतीजतुल कुबरा की आज विसाल है। और जब उन उम्मुल मोमिनीन का जब नाम लिया जाता है और तमाम माओ की सरदार कहा जाता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की पहली ज़ौजा और बात करूंगी बीबी फातिमा की माँ, और क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीबी फातिमा बहुत बहुत प्यारी और बहुत अजीज़ थी। जब खतीजतुल कुबरा का विसाल की मैं बात करूं, दसवें रोज़े के उनको उनकी रहलत फरमाई, उन्होंने रहलत फरमाई। और मैं आज जिक्र उस माँ का कर रही हूँ और उस बीवी का कर रही हूँ जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको पूरा रहमतुल आलमीन बना के भेजा, उनकी उनसे एक शरई निकाह हुआ। क्योंकि बीवी सैयदा खतीजतुल कुबरा के पहले दो निकाह हो चुके थे। मैं थोड़ा सा उनके बारे में वाक्या बयान करूं क्योंकि मेरे अल्फाज शायद मेरा साथ ना दें और कुछ गलती कोताही हो जाए, मेरा रब मुझे माफ़ करे और आप भी माफ़ कीजिएगा। इंसान है, मेरे पास भी कुछ अल्फाज कभी कभी मेरी ज़बान पर भी नहीं आते और फरिश्तों से कोताही नहीं होती, इंसानों से हो जाती है लफ्ज़ों में। तो मैं कहूँगी कि आज छोटा सा मैं एक, क्योंकि उनके बारे में जब मैं बयान फरमाने शुरू करूँ तो बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन मैं थोड़े से उसमें थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगी कि उनके लिए कुछ अल्फाज कह सकूं और मेरे हिस्से में वो अल्फाज आ जाएं। एक ऐसी माँ, एक ऐसी बीवी जिनके पास, जिनके वालिद मोहतरम कोई पैसों के मोहताज नहीं थे, बहुत आला ख़ानदान से उनका ताल्लुक था और यूं भी कहूंगी कि पैसों की फरवानी भी थी। और पहली जो है ख़ातून ने अव्वल थी जिन्होंने तिजारत में अपना नाम बनाया और सादिक और अमीन से शादी की।
और उन्होंने अपनी तिजारत में हमेशा जो है बहुत फ़ायदा हासिल किया, क्योंकि उनके वालिद का जब इंतकाल हो गया, फिर उनकी दो जो शादियां, उनके शोहर का जब इंतकाल हो गया, तो उन्होंने फिर ये बाग दौड़ संभाली तिजारत की, और अल्लाह पाक ने उन्हें बला का इल्म और बला का दिल अता फरमाया। उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ और लोगों के लिए सोचा, क्योंकि उधर उस वक्त बहुत सारे लोग लेन देन तिजारत करते थे, लेकिन बहुत सारे लोग उनके पास जाके मशवरे लेते थे, और जब वो तमाम बात ओके करती थी तो सारी वो रेट तय होते थे उनकी और उनके हुक्म से, जी कहूँगी कोई बात तो थी उनमें, यानी कि अल्लाह पाक ने पहले ही किसी शख्स को, किसी शख्सियत को, किसी खातून को पहले मुकर्रर किया होता है कि ये अच्छे दिल के हैं, इन्होंने कुछ अच्छा करना है। तो फिर देखें क्या शान है उस खातून की कि अल्लाह पाक ने उनके हिस्से में किस हस्ती को दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, वो मतलब बकरियों को चराते थे, तो अबू तालिब ने कहा कि अगर तुम्हें तिजारत का, उन्होंने कहा कि आप ज़रूर जो है अरब में ज़रूर उधर जाइएगा और उनके साथ ज़रूर, क्योंकि उनका नाम था खतीजतुल कुबरा, उनसे ज़रूर जाके आप लेन देन का जो है कीजिएगा, तिजारत कीजिएगा। तो उन्होंने कहा मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, कोई मुझसे कहे तो वो अलग बात है, मैं किसी से क्यों मांगूँ, क्योंकि अल्लाह पाक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मकाम दिया था, तो वो अल्लाह से ही ज़्यादा तवक्कल करते थे। लेकिन उनकी नसीब में ये हस्ती आनी थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर गए, और इत्तफाक की बात है, जाहिर सी बात है, उनको क्योंकि इनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो चुका था कि एक शख्स हैं और वो मोहम्मद हैं और वो बड़े सादिक व अमीन हैं। देखो उस दौर में भी मैं ये सोचती हूँ कि झूठ भी चलता था उस दौर में सबसे ज़्यादा, ये तो अभी क्यों, उस दौर में ज़्यादा होता था, लोग लेन देन में नाप तोल में इस तरह की ज़्यादा करते थे। तो उनके साथ उनका एक, जब उनको ख़बर मिली और फिर हज़रत खतीजा ने अपने ग़ुलाम को कहा कि इनके साथ जाएं और उनको एक पैगाम भेजा, और जब कहा कि जब जो जो ये कहते रहे वो सुनते जाना, कुछ बोलना मत, जो ये कह दे वो कर देना। शायद वो जज करना चाह रही थी। जब उन्होंने उनको बहुत सादिक अमीन पाया और उन्होंने मतलब अल्लाह पाक का दिल में डाल देता है ना, तो उन्होंने खुद पैगाम दिया शादी का, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र में और हज़रत खतीजतुल कुबरा की उम्र में फ़र्क था। उनकी उम्र 40 साल थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल, 15 साल का एक बड़ा गैप था। लेकिन जब उनकी उनसे शादी हो गई तो यकीन करें जिनके पास इतना पैसा हो उन्होंने सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दिया। लेकिन यहाँ तक की बात नहीं है, आपको नहीं मालूम कि अरब के लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क्योंकि उनकी फिर उनकी बेटी पैदा हुई बीबी फातिमा, एक अल्लाह पाक ने उनको फिर वो गारे हिरा में गए, उन्होंने इबादत की, और फिर 40 साल एक एक लंबा अरसा होता है, पहली जब वही नाजिल हुई तो उन्होंने जाके सबसे पहले किनको बताया, बड़ी बात है, बड़ी बात है, अमीरुल मोमिनीन उम्मुल मोमिनीन बीबी खतीजा को बताया कि मेरे पे जो एक फीलिंग होती है ना, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो रही, तो उन्होंने सबसे पहले जो पैगाम दिया वो बीबी खतीजा को दिया। तो वो पहला उन्होंने कहा आप वो ना करें, घबराएं ना, उन्होंने पहला इस्लाम यानी कि उन्होंने पहला कबूल किया। तो वो उनसे बहुत चाहते थे, उनसे बहुत प्यार करते थे, और औलाद भी उनमें से हुई थी, जितनी ये बेटी हुई थी ना उनमें से हुई थी, और बीबी फातिमा पहली बेटी थी, उनसे बहुत प्यार करते थे, औलाद की नसीब भी उनसे ही हुई, जो बाकी और उनसे हो रही वो उनका इंतकाल हो गया था, लेकिन इनसे चाह ज़्यादा थी, क्योंकि उन्होंने अच्छे बुरे वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। मेरे कहने का मकसद है कि वो हम लोगों की भी शादियाँ होती हैं, लेकिन हम कभी कभी बुरे वक्त में जाके अपने घरों में शिकायतें करते हैं, एक पलंदा निकाल देते हैं, मेरा शौहर ऐसे करता है, मेरा ये यूं करता है, वो करता है। उन्होंने उस वक्त जब अरब में जुल्म और सितम इतने थे, अभी इस्लाम इतना ज़्यादा नहीं फैला था, वो बीबी पर्दा पहले से करती थी, उस वक्त पर्दे का भी इतना नहीं था, लेकिन वो पहले से बापर्दा थी। देखो अल्लाह के कुछ हुक्म होते हैं जो पहले से ही हो चुके होते हैं। उनकी उनसे शादी हुई, बेटी पैदा हुई, बीबी फातिमा से वो बहुत प्यार करते थे। फिर अरब के लोगों ने ज़्यादा, क्योंकि जब उन्होंने ये कहा ना कि मुझ पे वही नाजिल हुई, तो अरब के लोगों ने ज़्यादा दुश्मनियाँ ली, और फिर आ गई ढाल बन के
सैयदा खतीजतुल कुबरा उन्होंने कहा कि जिन लोगों को मैंने उधार दिए हैं या जो भी उनसे, मैं सबको माफ़ करती हूँ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ना कहें। देखिए ये होता है बीवी का किरदार, ये होता है बड़ी बात होती है जब सब कुछ उनकी दौलत दुनिया ख़त्म हो गई लेकिन उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा। अबू तालिब ने हुक्म दिया अली को कि जहाँ जहाँ मोहम्मद जाए उनकी ढाल बन के जाना और जो इन पर कुछ बात करे उनके हाथ पैर काट देना। इतनी मोहब्बत करते थे, अपने चार बेटों से ज़्यादा मोहम्मद को चाहते थे। एक तरफ चचा का प्यार, एक तरफ बीवी का प्यार और अरब की दुश्मनी। एक ऐसी जगह तालिबे शेब कहते हैं जैसे तीन पहाड़ों से फिर एक रास्ता निकले। सबसे पहले अबू तालिब, क्योंकि चचा से मोहब्बत ज़्यादा तो उन्होंने पहले अपने आप को, क्योंकि उस वक्त वो इबादत करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा, तो उनको पीछे और खुद आगे हुए और उन्होंने उनको जितना हो सके, जैसे कहते हैं ना कि उनको अपनी मोहब्बत में, क्योंकि वो इबादत करते थे और अरब के लोग, फिर उन्होंने सवाल किया अरब के लोगों ने कि हम कैसे मान लें कि आप अल्लाह एक और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आखिरी आखिरी नबी हैं, हम कैसे आपको नबी मान लें, आप नबी कैसे मान लें। तो उन्होंने कहा एक संदूक में जाके देखना, वो सब जो एक औराक है जो अल्लाह पाक ने उसमें सब जल गए, एक अल्लाह का नाम बाकी है, जाके देख लो। तो वाकई में जब उन्होंने खोला तो कुछ लोगों ने, क्योंकि अभी भी इस तरह की कुछ लोगों ने मान रहे, लेकिन खतीजतुल कुबरा ने, क्योंकि अबू तालिब का पहले इंतकाल हुआ, उसके बाद कुछ दिनों बाद बीबी सैयदा खतीजतुल कुबरा का रहलत हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और अरब के लोगों का जुल्म और सितम ज़्यादा था, तो उनसे चाह इतनी थी कि जब मजीद और भी उनकी जौजाएं थी तो उन्होंने कहा कि आप उनके लिए ग्रिया करते हैं, और उन्होंने एक दो दिन तीन एक साल तक ग्रिया किया। ये मोहब्बत थी बीवी से, क्योंकि फिर उन्होंने कभी कभी, जाहिर सी बात है और बीवियाँ खूबसूरत भी बहुत थी, और मैं ये कहूँगी कि एक बार किसी ने कहा भी कि हम इतनी अच्छी हैं और ये हैं फिर भी आप उनको याद करते हो, तो उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि जो उनका मकाम था जिस वक्त मुझे ज़रूरत थी उनकी, वो उस वक्त मेरे साथ खड़ी हुई थी जब कोई भी मेरे साथ नहीं था, उन्होंने उस वक्त मेरा साथ दिया तो मैं कैसे भूल जाऊँ। तो उनके लिए उनकी मोहब्बत बेइंतहा थी। बाकी यहाँ पर माशाल्लाह मेरी प्यारी बहन मौजूद है और मैं अपने 10वें रोज़े को, क्योंकि सैयदा खतीजतुल कुबरा का आज विसाल है और 10वें रोज़े को इनका इंतकाल हुआ था, रहलत फरमाई थी दुनिया से, और अल्लाह पाक, मैं ये कहूँगी कि उम्मुल मोमिनीन तमाम माओं की सरदार, अल्लाह पाक हम सबको ऐसी माएँ नसीब करे और जो रहनुमाई, और ऐसी मैं ये कहूँगी कि हमें शायद पता नहीं, अल्लाह पाक बेहतर जानता है, अल्लाह पाक हमें ऐसी बीवियाँ बनना भी नसीब करे कि हम हर अच्छे बुरे वक्त में अपने शौहर का साथ दें। अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल करे। और आज मैं ये कहूँगी कि वो ख़वातीन जो हमेशा अपने शौहर से शिकवे करती रहती हैं, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ने कहा मैं अगर हुक्म करूँ दूसरे सजदे का तो वो तुम्हारा शौहर होगा, ये मकाम है। तो उन्होंने पूरा निभाया और अल्लाह पाक हमें उनके इस पैगाम पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करती हूँ। आप देख रहे हैं इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन वीनस HD पर, और इस वक्त मैं मिलवाती हूँ अपनी प्यारी बहन है और सबीका अली शेर आलमा जाकरा और इस्लामी स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह करें, मेरे अगर कुछ लफ्ज़ों में कोताही उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। माशाल्लाह सुभानअल्लाह, आपने बहुत बेहतरीन और वाज़े अल्फाज में जनाब खदीजतुल कुबरा के बारे में जो कुछ फरमाया वो हकीकतन एक ऐसी जामे हकीकत है कि जिसमें जिससे कोई इनकार नहीं है जी। और दुनियाए इल्म फ़न में हमेशा हमेशा जनाब खदीजतुल कुबरा का नाम जिंदा और ताबिंदा रहेगा, न सिर्फ इस हैसियत में कि आप अव्वल उम्मुल मोमिनीन उम्मुल मुस्लिमीन हैं, बल्कि साथ ही साथ आप जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जौजा हैं जो साहिब औलाद जौजा हैं। और ये तो कुरान पाक की तरफ से भी हुक्म है कि बीवियां वही अच्छी हैं कि जो साहिब औलाद कसीरुल औलाद हैं।
तो परवरदिगार आलम ने आपको सिर्फ एक बेटी जनाब सैयदा ताहिरा जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ही नहीं अता की, बल्कि आपको एक बेटे भी अता किए कि जिनके नाम से फिर जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुनियत अबुल कासिम मशहूर है वो उन्हीं के नाम पर मशहूर है। ये और बात है कि परवरदिगार की मसलहत के उसने अपनी मसलहत के तहत बहुत जल्द उस बेटे को वापस ले लिया, लेकिन शाहजादी कौनैन जनाब सैयदा ताहिरा मौजूद रहीं, हयात रहीं और आपकी नस्ल पाक जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से ही आगे बढ़ी। तो आज का दिन वो दिन है कि जो आपकी विसाल का, आपकी रहलत का दिन है और जिस साल को जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज्न करार दिया, वो साल के जिस साल में जनाब खदीजतुल कुबरा की रहलत हुई उसे आमुल हुज्न करार दिया, तो उसकी नस्बत को अगर मैं लूँ तो आज के दिन को मैं यौमुल हुज्न कह सकती हूँ। आज यौमुल हुज्न है यानी गम का दिन, जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गम बनाया और आप इतने गमगीन हुए, इतने मगमूम हुए कि आप जनाब खदीजा को तमाम जिंदगी याद करते रहे और याद करने का आलम यह था आपका कि आपके घर में जब कोई अच्छी चीज बना करती थी तो आप जनाब खदीजा की जो सहेलियां थी आप उनके घर में वो खाना भिजवाया करते थे। यह आपकी मोहब्बत का आलम था कि अगरचे की ज़ौजा रहलत फरमा चुकी थी, दुनिया से पर्दा कर चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्हें याद रखने का ये एक बहाना था कि उनकी सहेलियों को याद किया जा रहा है। आज हमें जो इस्लाम हुक्म देता है कि मोहब्बत बढ़ती है, प्यार बढ़ता है इस तरह से कि जब तुम अपने ताम में, अपने खाने में अपने अजीजों अकरबा को, अपने जानने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को शामिल करते हो, इसी जेस्चर के थ्रू ये पैगाम देना चाहते थे दुनिया को कि देखो रवादारी किस तरीके से बढ़ेगी, दुनियादारी किस तरीके से आगे बढ़ेगी। और फिर जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कि वो मुसद्दका और मुसल्लिम हैसियत कि जिसको मैं कहूँ कि सिर्फ ये तो एक शरफ है ही, जो ऐसा शरफ है जनाब रिसालत मआब की ज़ौजा होना और अव्वल ज़ौजा होना कि जिसका कोई सानी ही नहीं, जिसका कोई मिसल ही नहीं, इससे ज्यादा शरफ की कोई बात ही नहीं। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर मैं आपकी वो जिंदगी जो अक्द से पहले की जिंदगी है, जैसा कि आपने भी कहा कि आप शुरू से पर्दा फरमाया करती थी, यानी परवरदिगार आलम ने एक फितरतन बनना था ना जनाब रिसालत मआब की ज़ौजा, तो परवरदिगार ने फितरतन, ये वो बीबियां होती हैं उम्मुल मोमिनीन, कोई बीबी ऐसे ही नहीं बन जाती, उसे परवरदिगार ने चुना होता है और उसे अव्वल से चुन लेता है परवरदिगार, उसमें कुछ खसूसियात, कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जिनकी बिना उसे चुना जाता है। तो परवरदिगार आलम ने चुना हुआ था, यही वजह थी कि आप अगदे जनाब रिसालत मआब में आने से कबल भी बहुत सी इस्लामी तालीमात थी, अगरचे के इस्लाम उस वक्त दुनिया में नहीं फैला था और जनाब रिसालत मआब ने उस वक्त ऐलान नबूवत नहीं किया था, लेकिन तालीमात इंसानी तो हकीकतन इंसानी तालीमात है ना, वो रवादारी की तालीमात, वो पर्दा, वो मोहब्बत, वो गरीबों के काम आना, वो दुख दर्द में लोगों के साथ साझेदारी, ये सब कुछ तो इंसानी अमाल है। बिल्कुल ठीक। और जनाब खदीजतुल कुबरा अपनी तमाम जिंदगी में, यानी कि अक्द से पहले की जिंदगी में भी इन तमाम अमाल पे अमर पैरा नजर आती रही है, यानी आपका अगर इल्मी मयार ही मैं देखूं, आपका इल्मी कद ही मैं देखूं, तो आप अपनी इल्मियत में भी बहुत आला थी, इतनी आला थी कि आप जिस खानदान से थी, जनाब खवैल का जो खानदान था वो उल्मा का खानदान, बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें आपके जो चचाजाद भाई जनाब वरका बिन नौफल थे वो आलिमों में से थे कि जो इनको तौरात, इंजील और ज़बूर का आलिम माना जाता था, बेहतरीन इल्म रखा करते थे, और जनाब खदीजा जो थी आपकी सरपरस्ती वो फरमाया करते थे, क्योंकि आपके वालिद का विसाल हो चुका था, इंतकाल फरमा चुके थे, तो ये चचाजाद भाई आपकी सरपरस्ती फरमाया करते थे, और जनाब खदीजा क्योंकि मुस्तकिल इनके साथ रहती थी तो इसलिए आपका अपना इल्मी कद इतना बढ़ चुका था कि हम वक्त इल्मी नुकात और इल्मी मवाहिस थे कि जनाब वरका बिन नौफल के साथ चला करते थे। तो किसी सूरत भी ना तो इबादत में किसी तौर कम थी, ना रियाजत में किसी तौर कम थी, ना इल्मियत में किसी तौर, खिदमत का तो जवाब ही नहीं है, खिदमत में तो शोबे अभी तालिब गवाह है। एक वक्त ऐसा भी आया बेशक कि जब अरब के लोगों ने जुल्म ढाया तो खाने पीने की चीजें जिन्होंने सब, क्योंकि अपना तो सब कुछ दे दिया था पैसा, तो उनके पास ऐसे था कि वो पत्ते या कहते ना, बिल्कुल सभी आप बिल्कुल ठीक, आपने याद दिलाया शोबे अभी तालिब का वो वाकया कि जिसमें मुसलमानों को मुकैद कर दिया गया था और जनाब रिसालत मआब जो थे वो चंद मुसलमान के जो उस वक्त ईमान ले आए थे उनके साथ आप वहां पे मुकैद थे और आप पे इतना जिसको कहते ना सोशल बॉयकॉट कर देना, वो सोशल बॉयकॉट चल रहा था मुसलमानों का जनाब रिसालत मआब का, ना खाने को कुछ है, ना पीने को कुछ है, ना जिंदगी की बुनियादी सहूलियात हासिल है, और ऐसे आलम में एक ऐसी खातून के जो मलीकतुल अरब हो, एक ऐसी खातून के जिसके घर
में जो गुलाम और कनीजें हैं वो भी सोने और चांदी के कमरबंद पहनती हैं, जिसके घर का जिसका जो ऐवान है जो महल है उसमें सोने और चांदी की ईंटें लगी हुई है, ऐसी बीबी के जिसके हरीर और दीवा के पर्दे जो है वो घर में है, वो बीबी जब अपना सब कुछ छोड़कर त्याग कर जब रिसालत माँ आपकी खिदमत में आई है तो उस वक्त फिर आपने उस मौके पर भी जनाब रिसालत माँ आपको तन्हा नहीं छोड़ा और आप शोबे अबी तालिब की उस घाटी में शाना बशाना खड़ी रही हैं जनाब रिसालत माँ आपके साथ। कुछ तारीखों ने यह भी लिखा कि इब्तदाई अयाम वो दिन थे कि जब इतनी सख्ती नहीं हुई थी और बहुत जनाब रिसालत माँ आप खुद ही वहां पर मुकैद थे तो आप घर से गिजा को मुहैया करके लेके जाती थी और शोबे अबी तालिब की घाटी जो है वो बड़ी तंगो तारीख घाटी और ऐसा मुकाम है कि जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। बेशक छोटी सी बेटी तो हम आपके साथ हौसले बढ़ गए। बिल्कुल देखिये बेटी को तो कहा ही माँ का पड़ता जाता है, बेटी तो है ही माँ का अक्स, जो माँ को करते हुए देखा वही मोहब्बत वही जज्बा करबला तक बेशक बेशक वही उल्फत सरायत कर गई जनाबे फातिमा तो ज़हरा के ना। बिल्कुल बिल्कुल एक तो शिकम भी होता है फिर एक तरबियत भी होती है और फिर क्या कहते हैं एक शख्सियत है एक पैगाम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि उन्होंने जब ये हालात देखी ना बीबी फातिमा ने कि सभी भूखे हैं तो उन्होंने कहा कि अगर इस्लाम की बात है तो मैं भी भूखा रह लूंगी, तो ये एक और मिलता है मोटिवेशनल कि अब कुछ करना है। वे वक्त एक ऐसा वक्त था कि जिस वक्त बच्चे बूढ़े जवान खवातीन यानी मुसलमान गिनती के तो थे उस वक्त बिल्कुल, वो सब के सब एक दूसरे के साथ बिल्कुल एकजुट होकर खड़े हुए थे और किसी में ये तफरीक नहीं थी कि अगर मैं बूढ़ा हूं तो मुझ पर कोई तर्स खा ले, अगर मैं बच्चा हूं तो मुझे पहले गिजा मुहैया कर दी जाए, अगर मैं खातून हूं तो मेरे लिए मुश्किलात थोड़ी कम हो। सब शाना बशाना जनाब रिसालत माँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हुए थे। सुभान अल्लाह मेरी प्यारी बहन मेरे साथ ही है और मैं दरख्वास्त करूंगी कारी मोहम्मद जाहिद रजा से मनकबत सुनाइए। मेरे रसूल की ज़ौजा खदीजतुल कुबरा, मेरे रसूल की ज़ौजा खदीजतुल कुबरा, शरफ खुदा ने ये बख्शा खदीजतुल कुबरा, शरफ खुदा ने ये बख्शा खदीजतुल कुबरा, है आप मौलीना मुस्तफा पहली है आप मौलीना दीन मुस्तफा पहली, फिदा सैयद वाला खदीजतुल कुबरा, फिदा सैयद वाला खदीजतुल कुबरा, और खुदा के दीप पे लुटाया जो माल था सारा, खुदा के माल था सारा, अरब किया पे मलिका खदीजतुल कुबरा, अरब किया पे मलिका खदीजतुल कुबरा, नबी की सारी अजीवा
مقام آپ کا آلہ خدیجہ الکبریٰ مقام آپ کا آلہ خدیجہ الکبریٰ اور جو آیا وقت کٹھنے دین کی شاعت میں جو آیا وقت کٹھنے دین کی شاعت دلاسا خدیجہ الکبریٰ دیا نبی کو دلاسا خدیجہ الکبریٰ میرے رسول کی زوجہ خدیجہ الکبریٰ شرف خدا نے یہ بخشا خدیجہ الکبریٰ سبحان اللہ. قاری محمد زاہد رضا منقبت سنا رہے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ خدیجہ الکبریٰ, اور جب انہوں نے اپنا سارا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو انہوں نے اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ تمام مستحقین کو بانٹ دیا. اور میں یہ کہوں گی کہ اپنے مال میں دوسروں کی مدد کرنا اور دوسروں کا سہارا بننا, یہ ہمارے پیغام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ بڑی بات ہوتی ہے, اگر ہم جیسی شاید عورتیں ہوں گی تو ہم کہیں گے نہیں نہیں یہ تو ہمارا ہے, یہ تو ہم اپنے ماں باپ کے گھر سے لائے ہیں, آپ کیا کر رہے ہو, یہ ہم لوگوں کی سوچ ہے. لیکن میرے خیال میں اگر ہم اپنے جو ہے اپنے مال میں سے اگر دوسروں کو دیں گے تو اللہ پاک اس سے بہت راضی ہوگا. اور اس میں وہ آتا ہے جو زکوٰۃ, صدقہ, خیرات. اور میں جب ہمیشہ جب بھی میں اپنے رمضان ٹرانسمیشن جب سے شروع کیا ہے, آج 10واں روزہ ہے, اور میں یہ کہوں گی کہ میں پہلے دن سے ایک بات کہہ رہی ہوں کہ علی ابراہیم آئی ہاسپٹل ایک بہترین موقع ہے. آپ اپنے بچوں کے ہاتھوں سے ضرور ڈونیٹ کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ دوسروں کی مدد کیسے کی جاتی ہے اور اپنے مال میں سے اپنا حصہ کیسے دیا جاتا ہے, ان کو یہ آگاہی دیں, اور اس طرح ان کی یہ زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی سنورے گی. جس طرح میں اکثر کہتی ہوں کہ موت کے منہ سے ہمیں صدقہ بچا دیتا ہے, تو یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ سچ ہے. آپ کو چوٹ ضرور لگے گی, تھوڑی بہت تکلیف ہوگی, لیکن کبھی کبھی آپ کہو گے یہ میں نے کیا نیکی کی ہے جو اللہ پاک آپ نے مجھے بچا لیے, تو یہ آپ کا دیا ہوا جو آپ نے دیا ہے نا یہ کام آ جاتا ہے. تو آل ابراہیم آئی ہاسپٹل جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ مستحق ہے ہماری مدد کا, کیونکہ یہ ان لوگوں کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے جو لوگ دیکھ نہیں سکتے. یہ روشنی اگر ہم تھوڑے تھوڑے پیسے ملا دیں اور ان کو دے دیں تو ان کی آنکھوں کی روشنی, ان کا نور واپس آ جائے گا. تو میں کہوں گی کہ ضرور آپ ان کو ڈونیٹ کریں اور جائیں. اگر میں یہ نہیں کہوں گی مجھے آپ دیں, مجھے نہیں چاہیے, نہ مجھے ضرورت ہے. اور میں چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں ضرورت مند کون ہے تو وہ ہیں علی ابراہیم آئی ہاسپٹل کے وہ لوگ جن کو دو وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی لیکن وہ آنکھوں سے بھی محروم ہو گئے اور وہ آپریشن نہیں کروا سکتے. بے شک وہاں فری علاج ہو رہا ہے لیکن ابھی اس ہاسپٹل کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. میمن گھوٹ میں یہ ہاسپٹل ہے, آپ خود جا کے وزٹ کریں اور اپنے ہاتھوں سے ڈونیٹ کریں. ان کا ایک اسپیشل پیکج دیکھیں, اس کے بعد بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں.